दोस्तों आप ऐसे किसी न किसी के खुराफाती दिमाग में ये तो आए होगा कि मोबाइल फोन हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही क्यों होते हैं। क्या स्मार्टफोन्स को गोल शेप का नहीं बनाया जा सकता? तो यार ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि फोन्स को रेक्टेंगुलर शेप का इसलिए बनाया जाता है ताकि इन्हें पकड़ने में आसानी रहे, क्योंकि गोल चीजें हमारी हथेली और पॉकेट दोनों में ही सही से फिट नहीं हो सकती। ये रीजन सही तो है पर ये अधूरा है, इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि सभी फोन का मेन पार्ट होता है उसका डिस्प्ले, यानी कि उनकी स्क्रीन, जो कि हजारों लाखों छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। ये देखने में भले ही आपको सिंगल लाइटिंग सोर्स लगती है पर रियलिटी में कई सारे छोटे छोटे लाइटिंग सोर्सेज से मिलकर एक डिस्प्ले तैयार होती है। डिस्प्ले बनाते वक्त इंजीनियर्स को इन पिक्सल्स को ऐसे अरेंज करना होता है कि ये पूरी स्क्रीन में फिट बैठ जाए, जिससे हमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल सके। इन्हीं छोटे छोटे डॉट्स या पिक्सल्स को रेक्टेंगल शेप में फिट करना ज्यादा आसान होता है किसी भी गोल शेप की तुलना में। यही कारण है कि डिस्प्ले को रेक्टेंगल शेप का बनाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे फोन्स भी रेक्टेंगुलर बनते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों आपको एंड्रॉइड पसंद है या फिर आईफोन? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।